तो मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो ये तो चलो मैंने क्या किया, एक जनरलाइज रिजल्ट लिखा था। अब मैं क्या करता हूँ, उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। कैसे लिख दिया मैंने, यहाँ पर एक्स और वाई बनाया, ये एक्स हो गया, ये वाई बनाया। मैंने क्या बोल दिया कि ये जो वाई एक्सिस है इसको ही मैंने क्या बोल दिया, डायरेक्ट्रिक्स बोल दिया। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? और इस लाइन के ऊपर को मैंने क्या बोल दिया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल दिया। यहीं पर मैंने क्या किया, एक फोकस ले लिया अल्फा कॉमा जीरो। सब समझ में आ जाएगा यहाँ पर क्या कर रहे हैं। थोड़ा इक्वेशन सिंपल बने उस वजह से हम लोग इसको ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, डायरेक्ट्रिक्स ले लिया, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, फोकस ले लिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक पॉइंट यहाँ पर लिया इस तरह से कुछ, पी पॉइंट, इसको बोल दिया एक्स और वाई बोल दिया। तो कंडीशन यहाँ पर क्या थी कि इसकी इससे डिस्टेंस और यहाँ से परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, हमेशा कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ठीक है। दैट इज, इसको मैंने अगर एम बोल दिया तो पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल्स टू ई होता है। पी एस कैसे निकालोगे, पी एस ऐसे लिख दोगे, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर हो गया प्लस ये कितना हो जाएगा, वाई माइनस जीरो का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। इसको स्क्वायरिंग कर दिया हमने डायरेक्टली, ओके। और पी एम मुझे बताओ, पी एम कितना होना चाहिए, यहाँ से अगर तुम ध्यान दोगे देखो, पी एम यही है, ये पी एम है। तो पी एम तो बेसिकली क्या हो गया, पी का एक्स कोऑर्डिनेट ही तो हो गया, तो यहाँ से ये मेरे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर हो गया। समझ में आ रहा है हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सिंपल बनाने के लिए इस तरह से लिख दिया। तो यहाँ से मुझे कोनिक क्या मिल गया, ऐसे मिल गया, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, और इसको इधर लेके आ गए तो ये कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये भी टू डिग्री इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें केसेस बनाते हैं। जैसे मैंने क्या केस बनाया, यहाँ पर मैंने बोल दिया केस वन, ठीक है। केस वन मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, व्हेन फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, व्हेन फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ पर देखो, ये जो डायग्राम मैंने बनाया था इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर ये वाई था, ये एक्स था, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिया था, फोकस लिया था, ठीक है। ये क्या था, यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स था, समझ में आता है, ठीक है। और कोनिक कर्व यहाँ पर मेरे पास क्या बना था, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर बना था प्लस ये वाई स्क्वायर बना था माइनस ये क्या था, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं फोकस को डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करा दूँ, इसका मतलब मैं क्या करूँगा, इस वाले पॉइंट को इधर मूव कराऊंगा। समझ में आ रहा, देखो डायग्राम में देखो, इस वाले पॉइंट को मैं इधर मूव कराऊंगा। तो अगर मैंने इसको मूव करा दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये जो एस है आके कहाँ चला गया, डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करना है, इसका मतलब यहाँ पर आके बैठ गया वो ओरिजिन पे। समझो इस चीज को हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से मूव कराया, इधर आके वो इधर बैठ गया, इसका मतलब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ अल्फा इज इक्वल टू जीरो हो गया। आई होप ये चीज क्लियर है, ठीक है। व्हेन फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, इसका मतलब यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, अल्फा इज इक्वल टू जीरो आ गया। ये चीज समझ में आती क्या कर रहे हैं। तो अगर मैं क्या करता हूँ, अल्फा को जीरो को पुट कर देता हूँ उधर, तो अल्फा को अगर मैंने यहाँ पर जीरो पुट कर दिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अल्फा जीरो हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू जीरो, सही है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया तो एक काम किया, एक वाई स्क्वायर को इधर रखा, एक्स स्क्वायर को उधर ले गए, तो यहाँ से हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस वन और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल दिया। अच्छा, तो अब तुम देखो, यहाँ पर वाई स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है, तो अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इसका रूट ले सकता हूँ। तो रूट ले लिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ई स्क्वायर माइनस वाई और यहाँ पर ये एक्स हो गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, कोनिक की इक्वेशन आ गई। तो अब तुम देख के मुझे बताओ कि किसकी इक्वेशन लिखी है ये, y इज इक्वल टू प्लस माइनस समथिंग कॉन्स्टेंट और x, ये कुछ नहीं है, ये एक लाइन की इक्वेशन ही तो लिखी है। इसका मतलब यहां से मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर, ठीक है, अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर जाए तो जो कोनिक्स की जो इक्वेशन है वो पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये देखो, ये दो लाइंस तो है, दो लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है ये, वो तो मैंने रूट ले लिया है यहाँ पर, इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ, दो दो लाइन अलग अलग बन गई। इनफैक्ट अगर मैं रूट नहीं भी लेता तो मैं इस इक्वेशन से बोल सकता था, क्या बोल सकता था इस इक्वेशन से, तुम देखो एक्स स्क्वायर का टर्म है, वाई स्क्वायर का टर्म है, इसके अलावा और कोई टर्म नहीं है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ टू डिग्री टर्म्स हैं, और सिर्फ टू डिग्री टर्म्स है। तो मैंने तुम्हें क्या बोला था कि ये हमेशा पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी और ये होमोजीनियस बनेगी। इस केस में यहाँ पर होमोजीनियस इसलिए बन रही है क्योंकि मैंने यहाँ पर डायग्राम सिंपल बनाया है, फोकस को ओरिजिन पर लाई करा दिया मैंने। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर जाएगा तो, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या लिख दिया, दिस इज अ पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अच्छे से याद रखना है, ठीक है, पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ
फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। तो समझो कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि जहां पर कोनिक्स इन्वॉल्व कर रहा है, कोनिक्स का नेचर इन्वॉल्व कर रहा है, तो इस फैक्ट को हम लोग नहीं भूलेंगे कभी भी। मतलब हम लोग हमेशा चेक करेंगे कहीं फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर गया तब तो वहीं पे गेम ओवर हो गया, ठीक है, वहीं पे वो क्या हो जाएगा, पैरो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अच्छा, पैरो स्ट्रेट लाइन की एक और कंडीशन क्या होती थी, डेल्टा इज इक्वल्स टू जीरो, ये भी याद रखना है, इससे भी देख सकते हैं। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब देखो क्वेश्चन दो तरीके हो सकते हैं, एक तो चलो उसने क्या किया, कर्व ही दे दिया, कर्व दे दिया तो तुम क्या कर सकते हो, डेल्टा निकालो, अगर डेल्टा जीरो आ गया तब तो ठीक है पैरा स्ट्रेट लाइन। और अगर समझो उसने कर्व नहीं दिया, उसने फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दे दिया, तो तुम क्या करो, चेक कर लो, अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर गया तो ठीक है वो क्या हो जाएगा, पैरा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अच्छा, इस केस में मैंने यहाँ पर क्या किया था, डायग्राम बहुत ईजी बनाया था, ठीक है। क्यों पता, क्यों बनाया इसको, इसको थोड़ा सा समझाने के लिए बनाया कि हाँ, कि जिससे तुम्हें दिख जाए कि हाँ ये क्या है, पैरा स्ट्रेट लाइन है। दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं केस वन के अंदर ही। समझो मैंने ऐसे बोल दिया कि यहां पर ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ठीक है, इसको ही हम लोग दूसरे तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं। ये डायरेक्ट्रिक्स बोल दिया इसको मैंने, ठीक है, मैंने क्या बोल दिया कि यहां पर फोकस इस पे ही लाई कर गया, तो मतलब यहां पर एस इधर ही आ गया, समझ में आता है, ये क्या है, मेरे पास फोकस है। लिखते रहो बार बार, जितने बार तुम लिखोगे फोकस डायरेक्ट्रिक्स अपने हाथ से बार बार, उतने बार तुम्हारे दिमाग में घुसता रहेगा कि हाँ ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया, पी वाला पॉइंट क्या है, यहाँ पर है कहीं, ठीक है। तो क्या था यहाँ पर डेफिनेशन, कि फोकस से जो इसकी डिस्टेंस होगी और डायरेक्ट्रिक्स से जो परपेंडिकुलर होगा ये एम, ये क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पी एस अपॉन PM क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है, जो कि क्या है, E के बराबर है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या बोल दिया, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको मैंने थीटा ले लिया, अगर इसको मैंने थीटा ले लिया तो तुम मुझे बताओ PS अपॉन PM क्या होगा, मतलब इस ट्रायंगल के लिए PS मतलब क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया। देखो ध्यान दो इधर, PS मतलब यहाँ पर क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया ये, और PM मतलब क्या हो गया, अपोजिट साइड हो गया। मतलब मुझे यहाँ पर क्या ले लेना चाहिए, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू PS, PS अपॉन यहाँ पर ये क्या हो गया PM। आई होप समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज PS अपॉन PM हो गया। और यहाँ पर ये क्या बोल रखा है कि ये किसके बराबर है, E के बराबर है, और E क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। तो अगर E यहाँ पर कांस्टेंट आ गया, इसका मतलब मुझे यहाँ से क्या मिल गया कि कोसेक थीटा यहाँ पर क्या मिल गया, कांस्टेंट मिल गया, ओके। अगर कोसेक थीटा यहाँ पर कांस्टेंट मिल गया है, इसका मतलब तुम ये समझो कि ये जो P वाला जो पॉइंट है S से, वो कभी ऐसे मूव नहीं कर पाएगा। देखो इस तरह से नहीं हो पाएगा कि यहाँ पर आ जाए P या यहाँ पर नीचे आ जाए, वो बस कैसे मूव कर सकता है कि इसी लाइन पे आगे जाता रहे, समझ में आ रहा है, इसी लाइन पे जब तक ये आगे जाएगा तो थीटा मेंटेन रहेगा। और अगर थीटा यहाँ पर मेंटेन रहेगा तो तुम देखो इसकी इक्वेशन कैसे बन रही है, एक तो ये इक्वेशन बन रही है, चलो मैंने फिर से बना लिया, डायरेक्ट्रिक्स ऐसा है, मैंने क्या बोला कि थीटा मेंटेन करना है, ठीक है, तो ऐसा एक लाइन बन सकती है, पी इधर हो सकता है, ये थीटा हो गया, ठीक है, P वाला पॉइंट यहाँ हो सकता है, P वाला पॉइंट यहाँ हो सकता है, P वाला पॉइंट यहाँ पर पीछे हो सकता है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। और कैसे बन सकता है, ये तो मैंने चलो आगे लिया, थीटा अगर मुझे बनाना है डायरेक्ट्रिक्स से, किसी लाइन से मुझे एक ऐसा लाइन बनाना है जो हमेशा थीटा बनाए, तो वो तो पीछे ही तो बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी थीटा हो जाएगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर क्या है, फोकस, ठीक है। तो तुम देख सकते हो ये अगेन क्या बन रहा है, पैरो स्ट्रेट लाइन ही बन रहा है। किसको बोल रहे हैं हम पैरो स्ट्रेट लाइन, इसको बोल रहे हैं, देखो ये लाइन को जिसको मैं ऑरेंज से मार्क कर रहा हूँ, और इसको, डायरेक्ट्रिक्स थोड़ी ना इन्वॉल्व है कर्व में, कोनिक कर्व में डायरेक्ट्रिक्स थोड़ी ना इन्वॉल्व होता है, उसका तो हम यूज करते हैं। तो तुम देख सकते हो कि ये भी क्या है, पैरा स्ट्रेट लाइन ही बन रहा है, जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर क्या है, फोकस ही है। आई होप तुम्हें समझ में आया यहाँ पर क्या किया हमने, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग इसको बता सकते हैं, ओके। और अगर मैं पूछता हूँ कि डायरेक्ट्रिक्स और लाइन के बीच में एंगल कितना आ रहा है, तो तुम यहाँ पर क्या बोलोगे, थीटा इज इक्वल्स टू इतना आ जाएगा, कोसेक इनवर्स ई हो गया। आई होप तुम्हें समझ में यहाँ पर हमने क्या किया, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। पहला वाला मेथड भी इजी था, पहला वाला मेथड तो बस दिखाने के लिए कि यहाँ पर लाइन बन गया। इसमें मैंने यहाँ पर लाइन बना के नहीं दिखाया, पर हमने क्या किया यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करके बता दिया। आई होप तुम्हें समझ में आया कैसे हो रहा है ये, ठीक है। तो इसको चलो लिख लेते हैं, क्या लिख लिया इसको, ऐसे लिख लिया, इफ फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, आई होप तुमको दिख रहा हो ये, ठीक है, इफ फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स देन
it will be pair of straight line incline at theta is equals to cosec inverse e with directrix. I hope ye cheez samajh mein aata hai. Theek hai, aur kya bol sakte hain ki it will pair of straight line hai incline with theta, kitna hai theta yahan par hai, cosec inverse e hai with directrix hai, aur unka point of intersection yahan par kya hai, focus hai. Theek hai, to chalo is cheez ko hum log likh lete hain acche se. Kya likh liya, kaise banaya tha diagram, aise kuch tha. ठीक है, ऐसे कुछ बनाया था यहाँ पर. ठीक है, इस तरह से ही बनाया था. ये क्या यहाँ पर थीटा है, ये वाला यहाँ पर क्या लिया था, पॉइंट पी लिया था, ये एस था इधर. ठीक है, और ये क्या था यहाँ पर, डायरेक्ट्रिक्स. सही है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऐसे बोल सकता हूँ, पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड इंक्लाइन, फिर से लिख लिया, चलो इंक्लाइन at an angle theta that is equals to cosec inverse e. और theta यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा constant होगा. ये चीज समझ में आना चाहिए. I hope this is clear. ठीक है, okay. अच्छा, इसमें और थोड़ी बात करते हैं. जैसे पहले वाले केस से मेरे पास यहाँ पर क्या आया था, ऐसा आया था y is equals to plus minus root e square minus 1, इस तरह से कुछ आ गया था. ऐसा यहाँ पर x था इधर, तो यहां से मैं क्या रिजल्ट निकाल सकता हूं. ठीक है, यहां से मैंने ये रिजल्ट निकाला कि अगर ऐसे बोल दिया, अगर यहां पर e ग्रेटर देन 1 हो जाए, अगर e ग्रेटर देन 1 हो गया, इसका मतलब रूट के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई. रूट के अंदर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई, इसका मतलब ये है कि यहां पर लाइंस आ जाएगी. यहां पर लाइंस आ जाएगी, इसका मतलब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, दिस इज रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस, एंड डिस्टिंक्ट लाइंस. आई होप ये चीज समझ में आता है यहाँ पर क्या बोल दिया. ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस, एंड ऑब्वियसली कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये फोकस पर इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है, सेकंड केस मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, अगर e इक्वल टू 1 हो जाए तब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. ओके, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो तुम देखो ये समझना, इसका डायग्राम देखो कैसे बनाया था मैंने, एक ये बनाया था और एक ये बनाया था. ठीक है, ये क्या था, डायरेक्ट्रिक्स था. ठीक है, ये क्या था, y एक्सिस को मैंने डायरेक्ट्रिक्स लिया था, और फोकस मैंने कहाँ लाई करा दिया था, इधर लाई करा दिया था. देखो ध्यान दो, इधर लाई करा दिया था फोकस को, अल्फा को मैंने जीरो किया था. तो अगर e को मैंने यहाँ पर वन कर दिया, तो यहाँ से इक्वेशन कैसे बन जाएगी, तुम देखो इधर देखो, e अगर यहाँ पर वन हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास, और y इज इक्वल टू 0 बेसिकली क्या है, यहाँ पर x एक्सिस है. तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि अगर e यहाँ पर 1 हो जाए, तो पहली बात तो लाइन एक ही हो गई. पहले तो यहाँ पर क्या रहा था, लाइन अलग अलग हो रही थी. कैसे लाइन अलग अलग हो रही थी, जैसे फर्स्ट केस में लाइन इस तरह से हो रही थी, एक ऊपर जा रही है इधर, ठीक है, एक इस तरह से ऊपर जा रही है, और एक कैसे जा रहा है, एक नीचे जा रहा है. मतलब यहाँ पर से तुम इसको एक्सटेंड कर सकते हो. ठीक है, ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, दोनों के अलग अलग स्लोप है, एक पॉजिटिव स्लोप है और एक नेगेटिव स्लोप है. ओके, पर जैसे मैंने यहाँ पर ई को वन किया, तो इक्वेशन सिर्फ क्या बनी, वाई इज इक्वल टू 0. इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कौन सी इक्वेशन होगी, ये एक्स एक्सिस होगा. ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये लाइन इधर आ गई, ये लाइन इधर आ गई. आई होप समझ में आ गया यहाँ पर क्या किया. तो क्या चीज यहां से बोल सकते हैं कि अगर मैंने e को 1 कर दिया, तो यहां से ये जो इक्वेशन बन रही है, कौन सी बन रही है, एक्स एक्सिस बन रही है, तो इसकी खासियत ये है कि दिस इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स. मतलब यहां तो मैंने क्या किया था, एक स्पेशल केस लिया है, बहुत छोटा सा डायग्राम बनाया. ठीक है, और छोटे से डायग्राम के लिए जो मुझे रिजल्ट मिलेगा, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, जनरलाइज रिजल्ट में यूज कर सकता हूँ. आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है. इनफैक्ट तुम यहाँ पर देख लो, जो मैंने यहाँ पर सेकंड बनाया था, सेकंड यहाँ पर क्या लिखा था, इस तरह से बनाया. देखो ये जो ऊपर वाला डायग्राम है, ऐसी तो है ये ऐसे बनाया, ये डायरेक्ट्रिक्स है, राइट, ये थीटा है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर क्या है, पी है. यहाँ से मुझे क्या मिला था, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू ई मिल गया था. ठीक है, और सीधी सी बात है, देखो जो कोसेक थीटा की जो रेंज होती है वो क्या होती है, माइनस वन से कम होती है और वन से ज्यादा होती है. यहाँ पर मुझे एक्चुअली माइनस वन से कम नहीं बोलना चाहिए, क्यों, क्योंकि बेसिकली ई यहाँ पर क्या है, पी एस अपॉन पी एम है, मतलब दो डिस्टेंस का रेशियो है, तो दोनों डिस्टेंस के रेशियो को मैं नेगेटिव थोड़ी ना बोलूंगा. ठीक है, तो यहाँ पर बस एक फैक्ट मैं यूज कर रहा हूँ कि कोसेक थीटा यहाँ पर क्या होता है, हमेशा
वन से बड़ा होता है, माइनस वन से भी कम होता है, पर मैं यहाँ पर नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर कोसेक थीटा ई वन से बड़ा हो गया तो इसका मतलब ई भी क्या हो गया, वन से बड़ा या उसके बराबर हो गया। समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो इस केस में भी यहाँ पर मैं क्या ले सकता हूँ कि अगर ई वन से बड़ा है, ठीक है, अगर ई यहाँ से वन से बड़ा है तो तुम देख सकते हो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगी, कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा किसके रिस्पेक्ट में, डायरेक्ट्रिक्स के रिस्पेक्ट में। ध्यान यहाँ पर ध्यान दो, डायरेक्ट्रिक्स के रिस्पेक्ट में, इधर देखो, चलो डायरेक्ट्रिक्स के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ तो एंगल थीटा बनेगा ही बनेगा अगर ई क्या हो गया, वन से बड़ा हो गया। तो अगर ई वन से बड़ा हो गया तो इधर भी मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, दिस इज रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन। एग्जैक्टली सेम चीज ही हो रही है जो यहाँ पर किया है, स्पेशल रिजल्ट में भी यही आ रहा है, जनरलाइज रिजल्ट में भी यही आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट केस में यहाँ पर मैंने क्या लिया था, बी, मैंने बोल दिया था अगर ई यहाँ पर वन हो जाए तो तुम मुझे बताओ ई वन होने का मतलब यहाँ पर से क्या हो गया, क्या इंप्लाई करता है कि कोसेक थीटा यहाँ पर क्या हो गया, वन हो गया। कोसेक थीटा का वन होने का मतलब है कि यहाँ पर थीटा कितना हो गया, पाई बाई टू हो गया। थीटा अगर पाई बाई टू हो गया इसका मतलब मुझे बताओ, देखो लाइन कैसे हो जाएगी, जैसे ये एक थीटा था, ये भी एक, देखो डायग्राम में देखो ये भी एक थीटा है। थीटा को जब तुम पाई बाई टू करोगे तो सिंपली लाइन इस तरह से आ जाएगी, देखो ये डायरेक्ट्रिक्स से ये यहाँ पर क्या हो गया, ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, मतलब एग्जैक्टली सेम चीज, ये तुम्हारी लाइन हो जाएगी, ये लाइन यहाँ से इधर गई, ये लाइन यहाँ से इधर गई, वही चीज यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं इस वाले डायग्राम में, देखो इसको मैं टिक कर रहा हूँ, एग्जैक्टली वही हो गया। तो तुम यहाँ पर भी देख सकते हो कि ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये मेरी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो क्या हो गई, एक ही लाइन हो गई। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, लाइन एक हो गई, राइट। तो लाइन एक हो गई तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, कोइंसिडेंट एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और आई होप तुम्हें दिख रहा हो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं। ओके, तो कोइंसिडेंट हो गया, यहाँ पर भी लिख सकता हूँ दिस इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स एंड कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट क्यों हो गया, क्योंकि एक ही तो लाइन हो गई, ठीक है, सही है। इस केस में चलो सी वाले केस में अगर मैंने ऐसे ले लिया कि ई यहाँ पर लेस देन वन ले लिया, वैसे ई यहाँ पर लेस देन वन लेना नहीं चाहिए, ठीक है, क्यों नहीं लेना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि कोसेक थीटा कभी लेस देन वन नहीं होगा। अच्छा, ये सब केस किसके लिए है, अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई हो जाए तब उसके अंडर चल रहा है ये केस, ये मत समझना कि जनरलाइज रिजल्ट कॉनिक्स के लिए बात कर रहे हैं, ये सब हम किसके लिए बात कर रहे हैं, पैरा ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए बात कर रहे हैं सब। आई होप तुम्हें समझ में आता है, अभी तक तो हमने उसके बारे में बात ही नहीं किया, ठीक है, दूसरे कॉनिक्स के बारे में बात ही नहीं किया, अभी तो हम लोग बस एक केस के अंडर ही चल रहा है सब कुछ ये, ठीक है। तो अगर यहाँ पर e लेस देन वन हो गया तो तुम देखो इस डायग्राम, इससे देखो ये वाले फॉर्मूले से e अगर लेस देन वन हो गया तब तो रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ गई, तो रूट के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी आ गई तो नहीं चलेगा, तो मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, ये हो जाएगा इमेजिनरी लाइंस, सही है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया।